भौकाल तो बहुत है, हम कभी कभी बिना कट्टा उठाए भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। चूतिया है उससे फर्क नहीं पड़ता है, बेटा है हमारा उससे फर्क। छुप छुपा के बहुत चक्कर चलाए हैं, अब तो ऐसा हो गया कि छुप छुपा के नहीं चलाना। मैं एजुकेशन कॉलेज पे ज़्यादा कमेंट नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं तो खुद ही कीड़ा तो मुझ में ही था एक्चुअली। वो उन्होंने तो थिएटर किया, उसके बाद वो खुद भी डॉक्टर है होम्योपैथी। देखिए गालियाँ, वायलेंस, सेक्सुअल कंटेंट बहुत सारे शोज में भी हो सकता है। मिर्जापुर सीजन 3 का भौकाल ट्रेलर लॉन्च होते साथ शुरू हो चुका है और जितने इसमें किरदार हैं वो इस बार हर एक किरदार एक नया सस्पेंस लेकर आने वाला है। और एक वो जो कहावत है ना कि जो सबसे ज़्यादा शुरुआती दौर में शांत होता है वो जो अपना लास्ट फेज होता है उसमें उतना ही भौकाल मचाता है। और अगर आप मिर्ज़ापुर के ट्रू फैन हैं तो अब तक तो आप समझ ही गए होंगे। तो चलिए, मिर्ज़ापुर वाले तो सस्पेंस क्रिएट कर ही रहे हैं लेकिन हम लोग नहीं करते हैं। सो हाई, यू आर वॉचिंग बॉलीवुड क्रॉनिकल विद श्रुति सिन्हा और आज हमारे साथ मिर्ज़ापुर के डिम्पी और हर्षिता गौर जी हैं। वेलकम टू बॉलीवुड क्रॉनिकल। कैसा चल रहा है मिर्ज़ापुर का भौकाल? कितना देखने को मिल रहा है? फैंस का क्या कुछ एक्साइटमेंट है? भौकाल तो बहुत है, हम नंबर 1 में ट्रेंड कर रहे हैं। थैंक यू सो मच उसके लिए। और बस जिस तरीके से आपने बोला मुझे तो लग रहा है आपके बोलने में ही इतना भौकाल था कि महसूस हो रहा है आसपास भौकाल। तो अभी फैंस का जो रिएक्शंस अभी तो आना बाकी है, ट्रेलर में ही देखने को मिला। कई सारे रिएक्शंस मिलने देखने को मिल रहे हैं, साथ ही कई सारे क्वेश्चंस हैं। एक जो हमने सीन देखा ट्रेलर के लास्ट 10 सेकेंड में पंकज त्रिपाठी जी आते हैं, एकदम लास्ट में आते हैं और लंबा इम्पैक्ट छोड़ के जाते हैं। वो एक अलग ट्रेलर है, लास्ट के 10 सेकेंड एक अलग ट्रेलर। हाँ, तो वेब सीरीज में बार उनका कितना स्क्रीन टाइमिंग हो सकता है क्योंकि इस बार तो मुन्ना भैया भी नहीं है। अब ये स्क्रीन टाइमिंग तो मुझे लगता है स्क्रीन टाइमिंग से फर्क नहीं पड़ता, इम्पैक्ट उनका जो मतलब है बस एक बार आते हैं। उनका जो भौकाल, उनका जो इम्पैक्ट है वो बस लाइक जैसे आपने कहा ना कि लास्ट के 10 सेकेंड में वो आते हैं लेकिन वो 10 सेकेंड एक अलग ट्रेलर है। अच्छा, सीजन 1 और सीजन 2 में हमने देखा कि डिम्पी काफी साइलेंट मोड में चलती है। सीजन 3 में कितना वायलेंट होने वाली है? देखिए डिम्पी तो अभी तक इस पे डटी हुई है कि वायलेंस हम नहीं चुनेंगे, लेकिन ये बस बोल सकते हैं कि कुछ तो उसके थॉट्स में चेंज ज़रूर आया है और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और एक बहुत बड़ा एक कुछ तो एक बड़ी चीज़ हो रही है। ड्रामा है, थ्रिल है, अराउंड फैमिली भी। और फिर ये मिर्ज़ापुर की दुनिया से कितना भी कोई भागना चाहे कब ये उसको अपने में लपेट ले वो पता नहीं चलेगा, किसी को नहीं मालूम पड़ता है। नहीं मालूम। और ये जो थॉट्स में चेंजेस आ रहे हैं ये डिम्पी का जो लव एंगल है उसके कारण आ रहे हैं या फिर कुछ और वजह हैं? वजहें तो बड़ी सारी हो सकती हैं। प्यार में तो वो बहुत खुश है तो ज़्यादा रिवील नहीं करेंगे। हाँ। पर ये ज़रूर कह सकते हैं कि मज़ा आएगा। तो मिर्ज़ापुर के लैंग्वेज में कहें तो डिम्पी इस बार कट्टा उठाने वाली है कि नहीं? कट्टा उठाना कौन सी बड़ी बात है उसके लिए, वो तो आपने देखा ही है सीजन 1 में भी सीजन 2 में भी। कट्टा उठाना उसके लिए कोई ऐसा डर वाला वो वाली बात नहीं है। पर कभी कभी बिना कट्टा उठाए भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। और रही बात कट्टा उठाने की, तो पता नहीं ज़रूरत पड़ेगी तो उठा सकती है। अच्छा, बात करें हर्षिता जी, देखिए मिर्ज़ापुर में जितने भी एक्टर्स हैं काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं। बिल्कुल बिल्कुल। कैसा ऑन सेट तो जो भौकाल रहता ही रहता था, ऑफ कैमरा क्या कुछ भौकाल देखने को मिलता था? ऑफ कैमरा तो एक बहुत ही फैमिली टाइप माहौल रहता था। मतलब ऐसा लगता है कि अब तो खैर बोल सकते हो कि हम पिछले 8 साल से एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उसके अलावा भी सेट पे बहुत ही अमेजिंग माहौल। मतलब कोई सीन होता है ना, हाँ। तो ऐसा अगर सामने वाले ने अच्छा किया ना तो उस दूसरे एक्टर को बड़ा अच्छा लगता है, यार ये तो बहुत अच्छा किया, अरे उसको डिस्टर्ब मत करो वो अपने मूड में है। तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे अपने से ज़्यादा इंसान दूसरे एक्टर का सीन अच्छा निकल जाए उसमें ज़्यादा इंटरेस्टेड। और मेरे को लगता है यही वजह है कि जो मिर्ज़ापुर की जो नेचुरल एक्टिंग और उसके बाद जो मीम्स वायरल होते हैं। एक पंकज त्रिपाठी जी का डायलॉग है, चूतिया है उससे फर्क नहीं पड़ता है, बेटा है हमारा उससे पड़ता है। कैसा मतलब उसके बाद फिर कुछ ऐसा था कि कोई ऐसा डायलॉग डिलीवर किया उसके बाद फिर वो डायलॉग पूरे सेट में ऐसा वायरल हो जाता है कि भाई ये डायलॉग हमारे मिर्जापुर में इतने डायलॉग है वही चलते रहते हैं ऑफ कैमरा, आपस में भी कॉन्वर्सेशन में वही डायलॉग चलते रहते हैं सारे, मतलब जो आपस में भी बातचीत हो रही है। हम मेरा अगर कहूँ तो वो हो गया था कि क्योंकि मैं कुछ सीन्स एडिट भी हो जाते हैं, वो भी हो जाता जब आता है। तो डिम्पी ना वो बहुत, क्योंकि रॉबिन जब से आया हर चीज़ उसके लिए काहे काहे पूछने तो वो काहे बड़ा चल गया था, काहे अब डिम्पी बोलेगी काहे, तो ऐसा। अच्छा तो ये जो डिम्पी का कैरेक्टर है उससे आप कितना रिलेट कर पाते हैं? लाइक नहीं नहीं बहुत अलग है वो, उसकी दुनिया बहुत अलग है। खाली एक चीज़ है कि वो पापा को बहुत ही हाई रिगार्ड्स पे रखती है और वो हर्षिता भी रखती है, लेकिन उसके अलावा डिम्पी बहुत ज़्यादा करेक्ट है, मॉरली करेक्ट। मुझे लगता है हर्षिता इतनी करेक्ट है, डिम्पी बहुत लॉजिकल है, डिम्पी बहुत डिसाइसिव है, अभी तक उसने अपने डिसीजन पे वो टिकी हुई है। तो हर्षिता तो बहुत फिकल माइंडेड है, बिल्कुल बहुत अलग है उससे। तो इस कैरेक्टर के प्रिपरेशन के लिए कितनी कुछ मेहनत करनी पड़ी आपको? जब स्टार्ट किया था, अब तो एक फ्लो बन गया है, हमें पता है वो दुनिया पता है और हम कर रहे हैं। हर बार मेंटली थोड़ा खुद को प्रिपेयर करना ही पड़ता है क्योंकि इतना भौकाल होता है इस शो में, ऐसे सीन्स हो जाते हैं, आपकी दुनिया में ऐसा कुछ हो जाता है कि आप कभी भी उसके लिए प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो मेंटली वो बस प्रिपेयर करना पड़ता है कि ओह अभी ये होने वाला है। उसके अलावा जब स्टार्ट किया था तो थोड़ा लैंग्वेज पे काम किया था, राइटर से बात कर करके कंटिन्यूसली, तो वो सब ज़रूर किया। लाइक उस तरह के कुछ वेब सीरीज या मूवीज़ भी देखी थी जिसमें थोड़ा देसी एक्सेंट, मतलब बिहारी। ऑल्सो क्योंकि मेरे पापा यूपी से हैं, मेरे नाना जी मिर्ज़ापुर से थे, तो वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं सिस्टम में था उस तरीके से बात करना, तो शायद उसकी हेल्प हो गई। बाकी हाँ देखी भी चीज़ें, और मेरे राइटर से काफ़ी बात करती थी मैं, पुनीत जी से, तो वो बड़ा हेल्प। अच्छा जिस तरह से डिम्पी छुप छुपा के रॉबिन के साथ चक्कर चलाती हैं उस तरह से क्या हर्षिता ने छुप छुपा के कुछ ऐसा चक्कर चलाया है? छुप छुपा के बहुत चक्कर चलाए हैं, अब तो ऐसा हो गया कि छुप छुपा के नहीं चलाना, अभी खुल के करना, अभी खुल के करना। तो ये छुप छुपाने वाला जो सिस्टम था वो पहले, मतलब उसका पहला फेज कहाँ से स्टार्ट हुआ था? मेरा छुपा के तो 2-3 हो गए हैं, तो वो चला ही आ रहा है, आप छुपाना नहीं है। नहीं मतलब लाइक स्टार्टिंग फेज की, हाँ मैं जब क्लास 6 में थी तब ये स्टार्ट। अच्छा वैसा? हाँ। नहीं 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 ये उल्टा है, ये बॉम्बे में ही हुआ छुप छुपा के करने वाला काम, उससे पहले तो कॉलेज तक सब साफ एकदम स्ट्रिक्ट। हाँ हाँ हाँ। अच्छा ये छुप छुपाने वाले काम बॉम्बे में सीखे हैं। छुप छुपाना क्यों पड़ रहा था? नहीं वो ऐसा नहीं होता, छुप छुपाना ऐसा नहीं पड़ रहा था कि ओ मुझे छुप छुपाना पड़ेगा। हाँ। बट वो कुछ रिलेशनशिप की डायनामिक्स ही ऐसी थी, दोनों लोग चाहते थे ऐसा। अच्छा, तो ऐसा थोड़ा कह सकते हैं। लेकिन अभी देखिए कि जिस तरह से आप कॉलेज में आप शायद इंजीनियरिंग कर रही थी। जी जी जी। और इंजीनियरिंग के बाद फिर ये एक्टिंग का किस तरह से लाइन जुड़ गया? मैं डॉक्टर फैमिली से भी हूँ, मुझे तो हमेशा से और इंजीनियर के बीच में ये एक्टिंग किधर से आ गया? नहीं एक्टिंग एक्चुअली हमेशा से था। अच्छा। बहुत छोटे होते ही मैंने, जब एक्टिंग की उतनी समझ भी नहीं थी, तो मैंने मम्मा को बोला था कि मुझे एक्टर बनना है। तब लोगों मतलब समझ नहीं आता उन्होंने कि कैसे अचानक से हो गया, वेरी मतलब बहुत ही अजीब सी चीज़ थी। कुछ 7-8 साल की उम्र में मैंने बोला था कि मुझे एक्टर बनना है। अच्छा। उसके बाद काफ़ी टाइम तक वो चला गया था वो फेज, क्योंकि मैं डांस करती थी, कथक डांसर, मैं स्टेज परफॉर्म करती थी, तो मुझे आर्ट की तरफ इंक्लिनेशन तो थी ही, और पता नहीं वो भूत कभी उतरा ही नहीं दिमाग से। मुझे तो मिस वर्ल्ड भी बनना था इसलिए कि इजी एंट्री होती है। अच्छा। बट भगवान ने हाइट थोड़ी सी कम कर दी, तो मुझे नहीं पता, मुझे ये बस पता है कि जब से मैंने समझा है कि बनना क्या होता है लाइफ में, मैंने हमेशा से एक्टर बनना चाहा है। इनिशियली आपको लगता है कि वो एक टाइम आता है कि बिकॉज वो फील्ड आपको इतना अट्रैक्ट करती है तो आप बनना चाहते हो। अब क्योंकि मुझे 10 साल हो गए हैं इस फील्ड में, तो मैं बोल सकती हूँ कि मुझे एक्टिंग दिल से जेन्युइनली बहुत पसंद है। मुझे वो एक्शन से कट के बीच का जो दुनिया है वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा ये जो आपके बचपन में आप जो ड्रीमी वर्ल्ड में थी कि लाइक मेरे को एक्टिंग करना है, और अब जब आप प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ गए हो तो क्या लगता है कितनी मतलब वो ड्रीमी वर्ल्ड से प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आने में कितना कुछ सफ़र करना पड़ा, क्या क्या मुश्किलें आई? बहुत, सबकी जर्नी होती है, आसान नहीं है, बहुत रिजेक्शंस और बहुत यू नो पर्सनल एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी वाली चीज़ें भी आ जाती हैं। तो जर्नी तो रही ही है, चीज़ें तो अब काफ़ी बदल गई हैं अब OTT जब से लाइफ में आया और यू नो ऑडियंस बदल गई है। हम मतलब ऑडियंस भी एक पर्टिकुलर ऑडियंस भी बहुत अच्छा काम देखना चाहती है। तो जर्नी है, इंटरेस्टिंग रही है, अप्स एंड डाउन्स डेफिनेटली बहुत रहे हैं, पर मैं खुश हूँ, मुझे नहीं लगता मैं कुछ और कर सकती थी। अच्छा, स्कूल कॉलेज सब कुछ नोएडा से ही क्या, मतलब दिल्ली से ही क्या? जी जी। और सुनने में ये भी आया कि आपने एमिटी से कॉलेज परस्यू किया था, वहाँ से इंजीनियरिंग कर रही थी, मतलब कह सकते हैं कि उसमें मैं बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी इंजीनियरिंग करने में, बिल्कुल नहीं। भाई एमिटी से करना, एक काफ़ी सारे मीम्स आते हैं कि एमिटी से करना मतलब बहुत रिच फैमिली से आप बिलोंग करते हो। नहीं, मैंने स्कॉलरशिप पे की है। अच्छा, एमिटी स्कॉलरशिप? बिल्कुल, मैंने 4 साल में सिर्फ 1 साल के पैसे दिए, तो ये मत समझिए मैंने तो स्कॉलरशिप। वो मेरे पेरेंट्स को यही लगता था कि बड़ी इंटेलिजेंट लड़की है ये, ISYS क्यों नहीं बनती है। और वो एक और चीज़ बता देती हूँ, मैं हंसराज कॉलेज में इकोनॉमिक्स ऑनर्स में सिलेक्शन हो गया था, मैं कॉलेज भी गई 1-2 दिन। अच्छा। बट फिर मेरे पेरेंट्स को उस टाइम पे लगा कि नहीं, प्रोफेशनल डिग्री तो कभी ये एक्टिंग करने जा रही है, कुछ नहीं उसमें दुकान चली तो प्रोफेशनल डिग्री होनी चाहिए, तब के पेरेंट्स ऐसे सोचते थे। तो फिर मेरे पापा ने फीस वापस ले आए हंसराज कॉलेज से और बोला कि नहीं, इंजीनियरिंग तो कर लो, ये प्रोफेशनल डिग्री हो जाएगी। लाइक मुझे लगा, मैंने कहा कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है, मुझे इकोनॉमिक्स ऑनर्स करके भी एक्टर बनना था, मैं इंजीनियर करके भी एक्टर बन जाऊँगी। ठीक है, आप इसमें खुश हो, ठीक है, ये आपके लिए। लाइक बहुत बार ऐसे, मेरे को लगता है पहली बार होगा कि एमिटी को कभी किसी ने चूना लगाया होगा स्कॉलरशिप दे करके, नहीं तो हर बार एमिटी चूना लगाता है, क्योंकि मैं भी एमिटी की स्टूडेंट हूँ। अच्छा, बहुत सारे मीम्स ऐसे वायरल होते हैं कि भाई एमिटी में पढ़ना मतलब। और एक ये भी वहाँ का मिथ है कि एमिटी में आप चाहे कोई भी स्ट्रीम परस्यू करो, वहाँ पे जो भी बच्चे जाते हैं वो कुछ नहीं तो मॉडल बन के ज़रूर निकलते हैं, क्योंकि इतने सारे हैं ना, बहुत सारे हैं। मतलब दिल्ली यूनिवर्सिटी के भी काफ़ी लोग मॉडल्स बन जाते हैं। पर अदर मैं एजुकेशन कॉलेज पे ज़्यादा कॉमेंट नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं तो खुद ही क्या ही बोलो इंटरेस्टेड। हाँ, लेकिन मार्क्स मेरे आ जाते थे, डिस्टिंक्शन से मैंने इंजीनियरिंग की है, तो वो सब था, पर उस इंटेलिजेंस को मैं एक्टिंग की फील्ड में यूज़ करना चाहती हूँ। तो ये जो फिल्म इंडस्ट्री का कॉन्टैक्ट्स वगैरह, या फिर पहला आपको ब्रेक कहाँ से मिला, किधर से इधर ये चीज़ें बिल्डअप होना शुरू की? एक्चुअली पहला तो फुल फ्लेजेड पहला कह लीजिए तो वो मेरा शो साडा हक जो चैनल वी पे आया था, और वो मुझे इस तरीके से मिला था कि मेरे कॉलेज में आए थे स्टार प्लस के लोग ऑडिशन करने के लिए, वो किसी और चीज़ के लिए था। फिर वहाँ से मेरे एग्ज़ाम्स, 2 एग्ज़ाम्स के बीच में 4 दिन की छुट्टी होती है ना, तो उसमें मैं 1 दिन बॉम्बे आई ऑडिशन देने के लिए एक शो के लिए, और तब मम्मी ने कहा था कि इंजीनियरिंग पूरी होगी तो ही, मतलब उसके पहले हम नहीं भेजेंगे। तो लेकिन मेरे पापा ने बोला उस टाइम कि चलो जाके ऑडिशन दे के देखो कि तुम स्टैंड कहाँ करती हो। तो हम आए ऑडिशन देने, और मैं तो बॉम्बे में जैसे ही उतरी पहला कदम रखा और एयरपोर्ट का दरवाज़ा खुला, इतना फिल्मी मोमेंट तो मुझे लगा आई बिलोंग हियर, मैं तो यहीं पर बिलोंग करती हूँ, आई विल कम हियर वन डे। अच्छा, वहाँ से फिर वो चैनल वी स्टार प्लस की सिस्टर कंपनी थी, तो आई थिंक उन्होंने कहीं से कोई ऑडिशन देखा होगा, फिर उन्होंने मुझे साडा हक के लिए ऑडिशन किया। और लिटरली एट द सेम टाइम इंजीनियरिंग ख़त्म करके मैं जब शिफ्ट कर रही थी, मुझे तभी कॉल आ गया था, तो मैं बॉम्बे में काम के साथ आई। ये बहुत मेरे को लगता है प्लस पॉइंट था, नहीं तो प्लस कह लो माइनस कह लो, क्योंकि उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जब वो 2.5 साल बाद जब शो खत्म हुआ, तब लगा अरे लोग बिना काम के क्या करते हैं बॉम्बे में, ये तो मुझे पता ही नहीं है। वहाँ से कह लीजिए स्ट्रगल या एफर्ट या वो एक झटका कि क्या करना है, फिगर आउट करना है, वो सब वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर वो 2 घंटे बैठो ऑडिशन, एक एड ऑडिशन की लाइन में, तो वो सब जर्नी मेरी उस शो के बाद से स्टार्ट हुई। तो इंडस्ट्री में जो ये कॉन्सेप्ट होता है गो विद द फ्लो, लाइक अभी एक्टर्स के पास काम है, अगले दिन काम होगा कि नहीं होगा किसी को नहीं मालूम। तो ये आपके पास कोई ऐसा गुरु मंत्र जो आपने खुद के लिए रखा है कि भाई जो भी है गो विद द फ्लो, इसको ऐसे करके ही चलाना। मंत्रा कोई नहीं होता। अगर आप इस फील्ड, जो इस फील्ड के लोग हैं वो तो ये समझते ही हैं, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए मैं बस यही बोलूँगी कि देयर इज़ नो मंत्रा। आपको वही चीज़ हर रोज़ करनी पड़ेगी, ऑडिशन देने पड़ेंगे, अपनी हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा, अपने आप को ग्रूम करना पड़ेगा, वो आपको हर दिन करना पड़ेगा। वो टाइम कब आ जाएगा कि आपका सिक्का चल जाएगा, वो आप अट्रैक्ट कर लोगे अगर आप ये सब करते रहोगे। तो बस देयर इज़ नो मंत्रा, जस्ट पेशेंस। आई थिंक ये बेस्ट मंत्रा है। हाँ, नो मंत्रा इज। और अपनी मेंटल हेल्थ का काफ़ी अभी काफ़ी चर्चा हो गई है उस टॉपिक पे। अपनी मेंटल हेल्थ का प्लीज़ बहुत ध्यान रखें। अपने आसपास 5 लोग ऐसे ज़रूर रखें, 5 या 2 या एटलीस्ट एक भी, जो कि जिससे आप अपनी चीज़ें शेयर कर सकें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जब आप शुरू इंडस्ट्री में आई थी, लाइक आप भी नए, आप भी किसी को नहीं जानते हैं एंड वो लोग भी आपको नहीं जानते ऑब्वियसली, तो थोड़ा बॉन्ड बनाने में टाइम लग जाता है। तो इन जनरल होता है कि लोग लेफ्ट आउट फील करते हैं। कभी ऐसा फील किया है? बहुत बार फील किया है लेफ्ट आउट। एक्चुअली लकीली पहला शो ही प्रोटैगनिस्ट के टाइप से किया था, तो वहाँ तो अगेन बहुत पैम्पर्ड थी। तभी तो मुझे लगा कि अरे मैं तो स्टार बन गई हूँ, अब तो सब यू नो केक वॉक होगा मेरे लिए, पर ऐसा नहीं होता। तो उसके बाद हाँ काफ़ी जगह लेफ्ट आउट फील किया, पर वो यू हैव टू स्टार्ट टेकिंग थिंग्स विद द पिंच ऑफ सॉल्ट। तो कुछ अच्छी चीज़ें भी होंगी, कुछ खराब भी होंगी, कुछ लोग आपको बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे, कुछ बहुत पसंद करेंगे, कुछ, तो वो सब तो चलता ही रहता है, पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। तो खुद को थोड़ा थिक स्किन तो बनाना पड़ता है। चीज़ें मतलब शुरू में ये चीज़ें मतलब ऐसा इफेक्ट करती थी कि लाइक अभी तो लेफ्ट आउट कर दे रहे हैं लोग कैसे चीज़ों को। पहले तो करती हैं यार, क्योंकि वो तो अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है ना आपको। हाँ, अपनी ही नहीं है अंडरस्टैंडिंग, तो आपको बुरी तो लगेंगी ये चीज़ें। मुझे तो बड़ी बुरी लगती थी। मैं तो अगर कुछ बुरे लगने वाली चीज़ मेरे साथ हुई है तो मुझे बहुत बुरा लगा है। अच्छा, फैमिली रिलेटिव का जब आपने उनको बताया कि मिर्ज़ापुर करने वाली हूँ या तो क्या रिस्पॉन्स आया था उनका? नहीं, तब ऐसा कुछ खास रिस्पॉन्स नहीं था। बस वो यही थे कि अच्छा हम घर पे बात स्टार्ट हो गई। मेरे नाना जी मिर्ज़ापुर से थे, तो वो कि अच्छा मिर्ज़ापुर हम भी जाते थे, ये था वो था ब्ला ब्ला ब्ला। किसी कुछ ऐसा पता ही नहीं था कि OTT Amazon प्राइम ये क्या चीज़ है। अच्छा, कुछ था ही नहीं जब आया ना। तो उसके बाद लेकिन जब शो इतना बड़ा बन गया उसके बाद बातचीत काफ़ी। फैमिली के साथ बैठ के कभी अपनी सीरीज देखी है? नहीं, क्योंकि मैं बॉम्बे में रहती हूँ, दिल्ली में रहते हैं। अच्छा, तो वो देख ही लेते हैं। तो कुछ रिव्यू आया उनके तरफ से? हाँ, मेरी मम्मी काफ़ी बड़ी क्रिटिक है। हाँ, तो मुझे मेरे एक आईब्रो ठीक से नहीं हुई से लेकर ये शॉर्ट में ये रिएक्शन ठीक नहीं था। हाँ, सब। वो भी थिएटर एक्टर रह चुकी हैं 9 साल पंजाब में। अच्छा, तो वो तो ये जेनेटिक बड़ी एक्टिंग का कीड़ा। अब कीड़ा तो मुझ में ही था एक्चुअली। वो उन्होंने तो थिएटर किया, उसके बाद वो खुद भी डॉक्टर है होम्योपैथी। आई डोंट थिंक उनके अंदर कीड़ा था कि मैं बॉम्बे जाके मुझे कुछ करना है। वो आई थिंक शी वाज कंटेंट डूइंग थिएटर इन पंजाब 9 साल एक्टिंग करके। कीड़ा मेरे अंदर ही था। तो आपके हिसाब से मिर्ज़ापुर में ऐसा क्या कंटेंट है जो लोगों को काफ़ी ज़्यादा मतलब रिलेट कर पा रहे लोगों से? लाइक वायलेंस है, गाली गलौज है, बहुत सारी स्लैंग्स है, तो ऐसी क्या चीज़ है जिससे ऑडियंस है वो रिलेट कर पा रही है? गालियों से? नहीं, मजाक कर रही हूँ। देखिए, गालियाँ, वायलेंस, सेक्सुअल कंटेंट बहुत सारे शोज में भी हो सकता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि मिर्ज़ापुर से लोग पहली बारी में कनेक्ट इसलिए कर पाए क्योंकि जैसा कि फर्स्ट सीजन का जो फर्स्ट एपिसोड है कि पंडित फैमिली में, अब अगर सिर्फ त्रिपाठी फैमिली देखने को मिलती तो ठीक है, वो वर्ल्ड आपसे कनेक्टेड नहीं है। आप सोचते हो कि अरे ये ऐसा वर्ल्ड है जहाँ पे यू नो टायरेंट हैं और यू नो ये चलाते हैं, गद्दी पे बैठते हैं। लेकिन सडनली गुड्डू और बबलू पंडित की फैमिली में जब आप आए तो आप कनेक्ट कर पाए कि अरे ये तो हमारे घर में भी हो सकता था। हाँ, हमारे भी 2 लड़के ऐसे हो सकते थे जो कि ये चीज़ जाके ज्वाइन कर लें। तो वो रिलेटेबिलिटी फैक्टर मुझे लगता है लोगों को बड़ा अट्रैक्टिव लगा उस टाइम पे, क्योंकि ऐसा जब हमें लगता है ना कि यार ये तो हमारे बगल वाले घर में हो सकती थी या हमारे घर में हो सकती थी, तो हमारा रिलेटेबिलिटी फैक्टर बढ़ जाता है। क्योंकि तो वहाँ से स्टार्ट हुआ। और उसके बाद मुझे लगता है कि क्योंकि हर कैरेक्टर, इतने सारे कैरेक्टर्स हैं शो में, इतने सारे, और हर कैरेक्टर का बड़ा ब्यूटिफुल ग्राफ है, तो ये बहुत रेयर होता है। एंड थैंक्स टू द राइटिंग एंड थैंक्स टू राइटर्स, और आई थिंक उसकी वजह से लोग काफ़ी कनेक्ट करते हैं। मतलब मिर्ज़ापुर का पूरा सीजन देखे तो उसमें कहीं ऐसा नहीं लगता है कि कोई कैरेक्टर ऐसे कहीं छुप सा जा रहा है या फिर कहीं गायब हो गया। क्या मतलब अभी तो एक एक सीन के लिए भी जो लोग आए उन्होंने क्या काम किया आप देखिए शो। लाइक कह सकते हैं कि जनरली इस तरह के जो कॉन्टेंट बनाए जाते हैं अधिकतर लोग झंडा पकड़ के आ जाते हैं प्रोटेस्ट करने की नहीं भाई ये बहुत सब हुआ है, सब हुआ है। लेकिन मिर्ज़ापुर को लेकर के भी हुआ है। हाँ हुआ ही होगा। ऐसी न्यूज़ में तो नहीं आई है अभी तक, लेकिन मेरे को लगता है क्योंकि लोग इससे काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाए। और साथ ही मिर्ज़ापुर में जिस तरह से देखने को मिला कि जो गद्दी का जो लड़ाई है वो क्या लगता है अभी कब तक चलेगा, कितने सीजन और चल सकता है? इसका तो नहीं कुछ कह सकते मिर्ज़ापुर को, बस वो कह सकते हैं कि वो क्या किसके लिए वो कहावत बोलते हैं कि जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो पछताए। जिसने नहीं खाया उसको भी लगता है मैं देखूं, सब लोग बात कर रहे हैं। हाँ। और जो देखता है वो भी सोचता है कि अरे यार अब नेक्स्ट सीज़न कब आएगा। क्योंकि हर सीज़न में लगता है कि सीज़न में पता चल जाएगा कि आखिर में किसके पास गद्दी आने वाली है, लेकिन वो लास्ट तक फिर एक ट्विस्ट क्लाइमैक्स दे करके छोड़ दे रहा है राइटर। तो इस बार सीज़न 3 में कुछ ऐसा कि हाँ भाई अभी इधर है यहाँ पे स्टे, मतलब ये तो देख के ही आपको पता लगेगा। ये तो मज़ा एक्चुअली मिर्ज़ापुर का देखने में, बताने में बिल्कुल नहीं है। लाइक मैं बहुत ट्राई किया आप सभी ऑडियंस के लिए कि कुछ निकालूं, लेकिन फ़ायदा नहीं है। बता भी दूंगी तो मज़ा नहीं आएगा। अच्छा ऐसा है। हाँ कुछ थोड़ा बहुत स्पॉइलर, जो ज़्यादा स्पॉइलर नहीं, स्पॉइलर थोड़ा बहुत नहीं होता मिर्ज़ापुर में। स्पॉइलर तो एक लाइन में पूरा प्लॉट गेस कर लेंगे लोग। हाँ वो मुझे लगता है कि क्योंकि जिस तरह से ट्रेलर आया सब कुछ दिखा भी दिया, सब कुछ बता दिया, लेकिन बहुत कुछ छुपा भी लिया। ट्रेलर से तो स्टोरी कह लीजिए बहुत दूर है। ट्रेलर में तो आपको बस किरदारों की झलक मिली है, इतना मैं बोल सकती हूँ। अभी तो कहानी अभी बाकी, कहानी बहुत बाकी है। तो गुड्डू भैया इस बार कितना आतंक मचा सकते हैं आपके हिसाब से? आप देख ही रहे हैं आतंक तो मचाने में वो कम है नहीं, बहुत आतंक मचा रहे हैं। अब तो डर अब लग तो त्यागी भैया भी आ गए हैं लाइन में सीट की गद्दी की लड़ाई के लिए। गद्दी के कंटेंडर्स बढ़ गए हैं अभी। चलिए तो उम्मीद करते हैं कि जो ये सारी चीज़ें हैं लोग अब जो एक्साइटमेंट है लोगों का भी जल्द ही रिलीज़ होने वाला है, तो सारी चीज़ें भी खुल करके लोगों तक आ ही जाएगी। और क्या कुछ मिर्ज़ापुर में एक्साइटमेंट होने वाला है वो तो ट्रेलर देख के लोगों को मालूम पड़ ही गया होगा। थैंक यू सो मच हर्षिता। थैंक यू, इट वाज अ लवली टॉक एंड आई थिंक कि मिर्ज़ापुर कैसी तरह भौकाल मचते रहे और बिल्कुल चलता रहे भौकाल।